बार तुझे छोड़ दे रहा हूँ। करना यार तेरे को पता ही है, तेरे बिना मन वन नहीं लगता, चुपचाप पड़ा रहता हूँ, अपने अड्डे पे बैठा रहता हूँ, शाम को घर चले जाता हूँ, फिर और क्या, कहीं घूमना उमना भी नहीं रहता है। एक्चुअली भाई मुझे भी तेरी याद आती थी यार, पर क्या करूँ, आ ही नहीं पाता था। तुझे तो पता ही है यहाँ से जाने के बाद सब कुछ बदल गया। कोई दिक्कत नहीं, अब तो साथ में है ना, अब मजे करेंगे फिर। भाई वो वापस आ गया। अब उन लोगों का खींच सही खत्म करना पड़ेगा। और भाई कहाँ है? बस यार घर में, बता। चल कहीं घूम के आते हैं। ठीक है तो आ, फिर रेडी हो रहा हूँ मैं। चल ठीक है, आता हूँ मैं भी 10 मिनट में। ठीक ठीक है भाई। हाँ जैसे मैं कर देता हूँ तो जाने दे। ठीक है।
भल्ला, काला को फोन कर, गाड़ी लेकर आएगा। जी भैया। हाँ भैया जी। जी राणा भाई। काला, गाड़ी निकाल, विधायक के पास जाना है। ठीक है। लाला, बाटला को देखना, ज्यादा दारू ना पिए। जी भैया जी। और राणा जी आइए बैठिए। राणा जी, जोड़ो राणा जी के लिए कुछ ले आओ पीने के लिए। और राणा जी कैसे आना हुआ? मुझे बुला लेते, मैं चला था। करें, आना ही पड़ता है। तो राणा जी, कोठारी साहब का हाल कैसा है? सब बढ़िया है, बस यही एक बात है कि वो शहर में वापस आ गया है। बस इतनी से बात है राणा जी? आपको जो करना है करिए, इधर मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। और नाना जी, गोदाम उडाम में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? अगर कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार राणा जी को याद कर लेना। ऐसी कोई परेशानी तो नहीं चल रही है, बस अगले महीना इलेक्शन है, उसी की परेशानी है थोड़ी। कोई बात नहीं, एक बार राणा जी को याद कर लेना। ठीक है, चलो फिर। नाना जी, मेरे तरफ से छोटा सा तोहफा। इसकी क्या जरूरत थी राणा जी, आप भी ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर। चलिए ठीक। राणा भाई, ये तो वही खबरी है। हाँ ठीक, इसे लाओ।